हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। घर संभालना, घर को मेंटेन करना, अपनी फैमिली को मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क है। हर एक हाउसवाइफ, हर एक होममेकर तो ये करती ही हैं, बट स्मार्टली करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जिसको आपको अपनी हैबिट में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में और उस अनुसार अपने काम को हैंडल करने में। तो बस आज मैं आप सबके साथ उन्हीं कुछ टिप्स को शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मेरी लाइफ काफ़ी इजी हो गई है और मैं अपने घर को 24 आवर्स वेल मेंटेन्ड, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भी टिप अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो जो सबसे पहली टिप है ना, वो ये है कि बच्चे के साथ ना, अगर आपका छोटा बेबी है तो आपका काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को काम डाउन करें, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करें, उसके बाद उस एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें और फिर अपने काम को स्टार्ट करें। फिर देखिए आपका काम कितना ईजी हो जाएगा, बच्चे खुश तो हम भी खुश, फिर हमारा काम भी अच्छे से हो पाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी वॉल्स को। ये वॉल्स ना हमारे घर में तो होते ही हैं और बच्चे इनको बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। कभी पेन से लिखते हैं, कभी कलर से, कभी पेंसिल से और कभी तो अपने हाथ के प्रिंट भी बनाते हैं। तो इनको आज हम क्लीन करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। बस हमें एक बाउल लेना है, उसमें लेना है पानी, कोई भी लिक्विड डिशवॉशर जेल आपको लेना है, सर्फ नहीं लेना है क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और बस एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद उस क्लॉथ को उस पानी में डाल के निचोड़ लें। थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें रहने दें ताकि उससे क्लीनिंग होगी, और बस हल्के हाथों से हमें रब करना है। एक जो वॉल है मैंने क्लीन पहले से कर रखा है, बट मैं बाकी के दो वॉल्स अभी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितने ईजिली ये क्लीन हो जाते हैं। इस मेथड से मैंने अपने घर की पूरी वॉल्स को क्लीन की है क्योंकि 4-5 वॉल्स थी जो कि मेरे बेटे ने गंदी कर दी थी, तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बहुत ही ईजिली 2 मिनट्स में क्लीन हो जाते हैं और 10 मिनट्स के अंदर ये ड्राई भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि आपने सफाई भी करी है। तो बहुत ही अच्छा टिप है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। सभी अपने घर के हर एक कोने को यूज़ करते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से मेरा ये जो घर का एरिया है ना, लिविंग एरिया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप सब देख सकते हो कुशन कहीं पड़ा है और ये मेरा कुछ पार्सल आया था तो वो मैंने ओपन किया था। तो इस तरीके से हम जिस भी एरिया को यूज़ करते हैं ना, तो हमारी ये आदत होनी चाहिए कि जब भी हम उस एरिया को छोड़ें तो वहाँ के जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ हमने यूज़ किया है उन सबको प्लेस पर रख दे, और जो कहीं और रखने की चीज़ें हैं उनको भी उठा के हम वहाँ रख दे, तो वो जगह हमेशा हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड करना ही है। आप सब देख ही सकते हो कि मुझे काम के साथ साथ अपने बेबी को भी हैंडल करना पड़ रहा है। वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोकर उठा है तो इसलिए उसको हैंडल करना और ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है मेरे लिए। नेक्स्ट ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े निकालते हैं कुछ और जल्दीबाजी में, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है उस कपड़े में कि हम उसको पहनते नहीं हैं, बट एज़ इट इज़ हम उसको बाथरूम में या फिर बेड पर कहीं भी हम छोड़ के चले जाते हैं। बट ये हैबिट हमें अपनी छोड़नी चाहिए, उन कपड़ों को उसी वक्त हमें उठाकर, या फिर उस वक्त टाइम नहीं है तो आप थोड़े टाइम के बाद ही, लेकिन जल्दी से जल्दी आप उनको उठाकर उनके प्लेस पे रख दें, तभी आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। जब कभी भी हम सोकर उठते हैं, हमने बेड यूज़ किया है, बेड पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा बेड ना, बेडशीट जो है उनमें सिलवटें आ जाती हैं, कुशंस हमारा, पिलो इधर उधर हो जाता है। तो जब कभी भी आप बेड से उठे या फिर कोई भी आपका बेबी उठ रहा है, आपके हस्बैंड उठ रहे हैं, तो अगर वो बड़े हैं तो आप उनमें ये हैबिट लगाएं कि बेड से उठने के बाद वो थोड़ा सा बेड को ठीक कर दे, टाइडी कर दे। बस हल्का सा ही इधर उधर कर देने से बेड ठीक हो जाता है और काफ़ी नीट एंड टाइडी लगने लग जाता है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप भी इन टिप को फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके से हमेशा आपका बेड नीट एंड क्लीन रहेगा।
हमारा घर चाहे कितना भी क्लीन हो, फ्लोर क्लीन हो, फिर भी मुझे, मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मैं ना डायरेक्ट बेड पे, सोफ़ा पे ऐसे पैर ऊपर करके नहीं बैठ पाती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ना, आप एक डोर मैट ज़रूर रखें अपने बेड के पास, वो DIY भी हो सकता है या फिर आप बाय भी कर सकते हो। छोटे छोटे से डोर मैट्स रखें जो कि आप अपने बेड के पास, सोफ़ा के पास रखें, ताकि जब कभी भी आपको बेड पे, सोफ़े पे पैर ऊपर करके बैठना हो तो आप बस एक बार उस पर रब करो और आराम से बैठ पाओ। आप भी फ्री रहोगे, चलो कि थोड़ी मोड़ी भी जो डस्ट होती है वो हमारे बेड पे, सोफ़े पे नहीं आएगी वो, और वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। हम जब कभी भी बच्चे हों या बड़े हों, स्कूल से, ऑफिस से, कहीं से भी बाहर से आते हैं ना, तो बहुत थके हारे से आते हैं, अपनी चीज़ों को, कपड़ों को बस यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो हमें इस आदत को छोड़नी होगी, और जिसका जो प्लेस होगा, बस हम कुछ सेकेंड्स देंगे ना, 40-50 सेकेंड्स, उतने में ही हमारा ये काम हो जाएगा। हमें अपनी चीज़ों को, अपने कपड़ों को उन्हीं प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ उनकी जगह है, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे हमेशा हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा और बिल्कुल सुंदर दिखेगा, मैसी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब भी हम कभी प्रेस करते हैं ना, तो वो इतनी गर्म होती है कि हम उनको इधर उधर कहीं साइड में रख देते हैं कि किसी के हाथ पैर में ना लग जाए, बट वो ना रखे रह जाते हैं 2-4 दिनों तक, उनको संभालने का हमारे पास टाइम नहीं मिलता, या यूँ कहो कि हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आपका प्रेस ठंडा हो जाए, आप जिस तरीके से भी उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उनके प्लेस पर रखें। मैं प्रेस किस तरीके से उनके वायर को हैंडल करती हूँ उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हम अपने घर को सजाने के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा महंगी चीज़ों से ही हमारा घर सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखे। जैसे कि ये टेबल, टेबल की कवर आप खरीदने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में, बट अगर हमारे पास कोई सुंदर सुंदर सी फैब्रिक्स हों घर में पड़े हुए, पुराने कुर्ते के, या फिर सबसे बेस्ट आइडिया होता है पिलो कवर को यूज़ करना। बेडशीट फट जाती है, बट पिलो कवर जो है बिल्कुल नए जैसे रहते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से टेबल कवर पे, और आपका रूम और आपका टेबल काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो है ना ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोरेशन। हम घर में तो 24 घंटे काम करते ही रहते हैं, हम लेडीज़ तो एक्टिव ही रहते हैं, बट अगर हम टाइम पे एक्टिव ना हो और एक सही वे में, मैनर्स में, ऑर्डर में एक्टिव ना हो, तो वो एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जिस भी काम का जो टाइम हो, आप उस टाइम पे उस काम को करने की कोशिश करें और पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि जब शाम का टाइम होता है, कपड़े सूख जाते हैं, हम कपड़े उठाते हैं, हमने उठाया, उसको फोल्ड नहीं किया, फोल्ड किया तो उसको उनके प्लेस पे नहीं रखा, तो ये सब जो हैबिट होती है ना, इससे ही हमारा घर मैसी लगता है, फिर हमारा ही हेडेक होता है कि हमारा घर साफ नहीं है, हमने इतनी मेहनत करी तब भी। बट होता ये है कि हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब भी आप इस तरीके का कोई काम करें तो उनको पूरा फिनिश करें, कपड़े अगर उठाए हैं आपने तो आप उनको फोल्ड भी करें और उनके प्लेस पे, जिस ऑर्डर में, जिस वे में रखे हैं, उस वे में भी आप रखें। इससे आपका काम बहुत ही ईजिली हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का काम होगा और आप भी बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील करोगे, टेंशन फ्री आप दूसरे काम को कर सकोगे कि मेरा पहला काम फिनिश हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट काम के लिए रेडी हूँ। घर को साफ और सुंदर रखने के लिए हम घर में जो भी डोरमैट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनका टाइम टू टाइम क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आप रेगुलर रोज़ पोछा लगाओ और अगर आपके डोरमैट्स ही गंदे हैं तो आपका घर कभी साफ नहीं रहेगा। इसलिए हर रोज़ एक डोरमैट क्लीन करने की आदत डालें अगर आप बहुत ज़्यादा डोरमैट्स यूज़ करते हैं, नहीं तो आप वीक में एक बार ज़रूर अपने बाथरूम की, किचन की, और इस तरीके का जो भी एरिया है आपका, वहाँ के डोरमैट्स को आप क्लीन करा करें। और आप दो सेट रखें, एक आप क्लीन करते हो तो दूसरा आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बेडशीट तो हम सभी खरीद के लाते हैं, न्यू बेडशीट्स, उनकी जो कवर होती है हम उनको फेंक देते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, बस उसके अंदर की जो ये शीट है हमें उसको निकालनी है। और आप कोई भी अपनी हैवी साड़ी या फिर सूट जिनमें खासकर ना सिलवटें पड़ती हैं, उनको आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रेस करा के, पॉलिश करा के, जो भी है आप उस तरीके से रख के, और आप इनके अंदर रखते एक एक या दो दो, दो तो डेफिनेटली आ जाएंगे, चार भी आ सकते हैं, आप डिपेंड
डिपेंड करता है आप किस टाइप के कपड़े रख रहे हो, तो आप इसके दोनों साइड में रख दो और बस इसको बंद करके आप अपने कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करो। आपके जो कपड़े हैं जो आप इसमें रख रहे हो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, एकदम बिल्कुल भी उनमें सिलवटें नहीं आएंगी। तो बहुत ही अच्छा टिप है ऑर्गेनाइजेशन का, आप ज़रूर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम। काम तो हम सभी करते हैं, बट अगर जिस तरीके से हमने पहले से कर रखा है, एक हमारा तरीका है, उस तरीके से ना किया जाए तो भी वो प्लेस ना काफ़ी मैसी हो जाएगा जिस भी प्लेस को हमने यूज़ किया है। जैसे कि आप ये मेरे बेटे का वार्डरोब देख रहे हो, इसका ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मैंने 2 मंथ्स पहले डाला था, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था ना आज तक की, बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करती हूँ। बस सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज तब किया था उसी तरीके से मैं अभी भी करती हूँ। जो मेरा फोल्डिंग मेथड था रोज़ के कपड़े में उसी तरीके से फोल्ड करके और जिसका जो प्लेस मैंने दिया था उस प्लेस पे ही रखती हूँ, तो ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होते हैं, चीज़ें बिखरती नहीं हैं, तो मुझे बार बार ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 महीने पहले का ऑर्गेनाइजेशन मेरा अभी तक चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने काम को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करें, अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो अपनी चीज़ों को उनके प्लेस पे रखे, तभी घर हमेशा साफ़ सुथरा आपका रह सकता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरे सारे टिप्स अच्छे लगे हों। अगर एक भी टिप पसंद आया हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू है तो आप सब सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा टिप आपको ज़्यादा पसंद आया।